बाड़मेर जिले में चोरियों की घटनाएं हैं कि थमले का नाम नहीं ले रही और पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली के चलते आए दिन चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला बाड़मेर शहर के व्यस्तम इलोजी बाजार से सामने आया है, जहां शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक पान की दुकान को अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने पान की दुकान के ताले तोड़कर वहां से करीब 15,000 से 20,000 रुपये के गुटखा, सिगरेट एवं अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही अज्ञात चोरों ने यहां से करीब 10,000 की नकदी भी पार कर ली। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुहैया कर दुकानदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। लक्ष्मी पान भंडार के धर्मेंद्र खत्री ने बताया कि शुक्रवार रात 9 बजे के करीब वह अपनी दुकान बंद कर घर को लौट गया था। सुबह जब दुकान लौटा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और दुकान से गुटखा, सिगरेट समेत 15,000-20,000 का सामान और गले में रखी 10,000 की नकदी भी गायब थी। मेरा नाम धर्मेंद्र खत्री है और हम कल शाम को दुकान लॉक करके गए थे तो सुबह हमको किसी ने समाचार दिया कि हमारे दुकान के लॉक टूटे हुए पड़े हैं। हम तुरंत आए, पुलिस में इतना की पुलिस वाले आए, उन्होंने चेक किया, फुटेज वगैरह ले लिए और हमारा काफ़ी सामान इसमें कुछ नकदी थी, 10,000 रुपये नकदी थे और 20-25,000 रुपये का कुछ सामान था, गुटखा भी, सिगरेट वो सब उन्होंने यहाँ से गायब कर दिया है। चोरी की इस वारदात को लेकर शहर कोतवाल प्रेम प्रकाश का कहना है कि इलोजी बाजार में पान की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने गुटखा, सिगरेट समेत नकदी पार कर ली। पुलिस ने परिवादी दुकानदार की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उनका दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। परिवादी धर्मेंद्र खत्री ने बताया कि लक्ष्मी पान भंडार नाम की उसकी इलोजी मार्केट में दुकान है, जिसमें वो गुटखा, सिगरेट, बीड़ी का बेचान करता है। तो कल रात को ताले लगा गया, सुबह पड़ोसी से पता चला कि भाई मेरी दुकान के ताले टूट रखे हैं, जिसमें 20-25,000 रुपये का गुटखा, सिगरेट चोरी होना पड़ा। तफ्तीश में घटनास्थल देख के मुलजिमों को, जो पूर्व में इस तरह की वारदातें कर रखी है, और हमारे मुखबिर तंत्र से पता किया जाएगा कि इस तरह के कौन कौन हैं, उनसे लाके पूछताछ और जल्द से जल्द मामला का खुलासा करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में चोरी की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सदर बाजार और इलोजी बाजार में चोरी की कई वारदातें सामने आ चुकी है। हर बार पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दावे तो करती नजर आती है, बावजूद इसके कई वारदातें कोतवाली थाने में मामला बनकर ही रह गई है, जिससे चोरियों की घटनाएं बढ़ने के साथ पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं।